बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िन। नाज़िन, आज हम आपसे शेयर करेंगे लोबिया की चाट की रेसिपी, जो एक बहुत ही टैंगी और ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग चाट है। तो आप देख सकते हैं, ये लोबिया है और जिसे हम ब्लैक आइड पीस भी कहते हैं। इसे हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। साथ ही हमने ले रखे हैं कुछ वेजिटेबल्स जिसे हमने चॉप कर रखे रखा हुआ है। साथ इसमें है टमाटर, हरा धनिया, प्याज और खीरा, साथ ही नींबू रखे हुए हैं। अब हमने एक कुकर में लोबिया डाला है नाजीन। लोबिया हमारा 1 ग्लास है और हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ग्लास पानी। तो हमने पानी ऐड कर दिया है इसमें, आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी लिड लगा देंगे और इसको प्रेशर कुकर में आपको कुक करना है नाजरीन। 15 मिनट तक आप इसे गैस पर रखिए और आंच मीडियम रखिए, या फिर आप 3 से 4 सीटी का इंतज़ार करें और उसके बाद 5 मिनट के लिए हल्की आंच कर दें। तो आप लोबिया बहुत ही शानदार तरीके से गल चुका है और अब आप इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लें, इसे ड्रेन कर लें पानी इसका। सारी वेजिटेबल्स एक साथ ऐड कर दी हैं इसमें और अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं हसब ज़ायका। नाज़िम, ये एक बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त चाट की रेसिपी है और साथ ही हेल्दी भी बहुत है। अब हमने इसमें चाट मसाला डाला है, 1 चम्मच हमने चाट मसाला ऐड किया है इसमें नाजरीन, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, तो वो अपने हिसाब से आपको ऐड करना है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है थोड़ा ज़्यादा डालें। तो हमने तकरीबन 1/2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाला है और साथ ही हम नींबू का रस डालेंगे इसमें, तो वो भी अपने हिसाब से आपको ऐड करना है। तो हमने 1 नींबू का इसमें रस डाला है। तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस और माउथ वाटरिंग चाट बनकर आपकी तैयार हो रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई और सब चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको उसको थोड़ा सा और चटपटा बनाना है। तो लीजिए नाजरीन, आपकी मज़ेदार खट्टी और चटपटी और तीखी लोबिया की चाट तैयार हुई है। नाजरीन, अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी ये झटपट चाट की रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अभी सब्सक्राइब करें लजीज पकवान्स, और जुड़े रहिए लजीज पकवान से और सीखते रहिए एक से बढ़कर एक लजीज डिशेज़।